रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर पंक्ति पर अपराध पर कसकर चर्चा, किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर का सच यानी पूरा सच देखना ना जी न्यूज 18 पर, सिर्फ मेरे जन सहयोग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रभकार पवार 20 फुट कंटेनर में पुस्तिका का संग्रहालय के उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुंबई पुलिस कमिश्नर दत्ताश्रय पड़स लगीकर मुख्य अतिथि के साथ साथ सह पुलिस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश प्रधान, पुलिस उपायुक्त जोन 11 विक्रम देसमाने, पुलिस उपायुक्त जोन 12 डॉक्टर विनय राठौड़ रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर जन फाउंडेशन के मुखिया प्रभकार ने बताया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के रूप में दत्ताश्रय फर्श लगीकर ने मुंबई के सभी बड़े महामोर्चा को बड़े ही शांति और शालीनता से इसका मुख्य उद्देश्य लगातार पुस्तक की पढ़ाई की रुचि जो कम हो रही है, जहां आज लोग मोबाइल और गूगल में लोग पढ़ाई करते हैं जिसको लेकर लोगों में पुस्तिका वाचन खत्म हो रहा है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जन सहयोग फाउंडेशन ने उत्तर मुंबई में पुलिस परिवार के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। पुलिस कांस्टेबल दीपक आनंद पाटिल की किडनी की तकलीफ है जिनको 1,25,000 की मदद किया गया। कांस्टेबल के लड़के को 10वीं पास, सारे बच्चों को मोबाइल टैबलेट, करीब 20 बच्चों को दिया गया। उससे पहले 11,000 रुपए की राशि दी जाती थी। ताड़देव ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को राजेंद्र जाधव को 50,000 की मदद की गई। जय सर एमएचबी गांधीवली वनराय में पुस्तिका वाचनालय बनाकर दिया है माननीय श्री। और जैसे मैंने अभी भाषण में भी कहा कि किताबें पढ़कर बहुत सारा ज्ञान मिलता है, और अपने जन सहयोग फाउंडेशन के श्री प्रभात कुमार जी ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया हुआ है, और 5-6 अभी पुलिस स्टेशन में ऐसी वाचनालयाँ बन चुकी हैं। साथ ही सर गांधीवली के वसाद के रेड और लुटन की भी बात, हाँ वो भी मैंने कहा कि वो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को प्रस्ताव गया है तो वह अपने क्रम से होगा आगे। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज 18 पर वीडियो और हमारे को सब्सक्राइब करना ना। आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।